हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ओमकार और आज हम देखने वाले हैं 2024 मर्सिडीज़ SL55 जो कि 7th जनरेशन है मर्सिडीज़ SL क्लास का। और आज के इस वीडियो के अंदर हम इस गाड़ी का कंप्लीट एक वॉक अराउंड लेने वाले हैं। गाड़ी के अंदर आपको क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या नई चीज़ें मिलती है, सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाली है। गाड़ी की जो एक शोरूम कीमत है वो है 2 करोड़ 44 लाख रुपीज़। और देखते हैं इस गाड़ी के अंदर आपको क्या चीज़ें मिलती है। कन्वर्टेबल टॉप के साथ एक कार आती है, 4 सीटर ये गाड़ी है, बट एक्चुअली में इसके अंदर जो 2 ही लोग बैठ सकते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू कलर है और ये जो कलर है ये भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यूनिक दिखता है। आज के इस वीडियो के अंदर इस गाड़ी का हम कंप्लीट एक वॉक अराउंड लेने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इस गाड़ी की कीज़ दिखाना चाहूँगा। टिपिकल जो अभी मर्सिडीज़ की नई वाली कीज़ आ रही है ना, उसी टाइप की आपको यहाँ पे सिंपल सी कीज़ मिलती है। सो यहाँ पे लॉक, अनलॉक और बूट ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको जो ये 3 बटन्स मिल जाते हैं। काफ़ी क्लासिक सी की है और यह है गाड़ी की लुक्स। एक बार मैं इसको अनलॉक कर लेता हूँ। सो इसके अंदर आपको वैसे फ्लश डोर हैंडल्स मिलते हैं और जो साइड मिरर्स है वो भी जो है ऑटो फोल्ड हो जाते हैं। इतनी महंगी गाड़ी है तो ये सारे फीचर्स तो आपको मिलने ही है। सो इस गाड़ी की कीमत एक बार मैं आपको बोल देता हूँ 2 करोड़ 44 लाख रुपीज़ के एक शोरूम कीमत पे ये गाड़ी आती है। और इंडिया के अंदर इस गाड़ी का सिर्फ ये वाला एक ही वेरियंट है जो कि AMG लाइन वेरियंट है। ये गाड़ी जो है कम्प्लीट AMG लाइन पर ही बेस्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट साइड में आपको कितना बड़ा यहाँ पर जो इस गाड़ी का नोज़ मिलता है। जो फ्रंट इसका बोनट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है बिकॉज इस गाड़ी के अंदर आपको V8 बाई टर्बो इंजन मिलता है। सो जो पावर है, जो स्पेक्स है वो भी काफ़ी कमाल के है। एक बार मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। वैसे मैं आपको स्टार्टिंग में ही थोड़े बहुत जो ये हिंट्स दे देता हूँ। ये गाड़ी 3.9 सेकंड के अंदर जो 0 से 100 ट्रैवल कर लेती है। सो जो पावर है वो आपको इसके अंदर काफ़ी कमाल की मिलने वाली है। अगेन अगर हम बात करें इस गाड़ी के साइड लुक के बारे में तो 4.7 मीटर्स की इसकी कंप्लीट लेंथ है। इस गाड़ी की जो विड्थ है वो है 1.9 मीटर्स की और जो हाइट है वो है 1.35 मीटर्स की। तो हाइट काफ़ी कम है बिकॉज 100 के चलने वाली गाड़ी है। ये एक्चुअली एक परफॉर्मेंस कार के अंदर आती है और एन्जॉयमेंट के लिए गाड़ी जो है काफ़ी परफेक्ट है बिकॉज यहाँ पे आपको रूफ़ वगैरह जो काफ़ी कमाल का मिलता है। आप इसको जो है फोल्ड कर सकते हैं और एक कन्वर्टेबल का मज़ा ले सकते हैं। तो इस तरह की गाड़ी है फन करने के लिए। सो यहाँ पे आप देखोगे इसके जो अलॉयज़ है वो भी काफ़ी कमाल के हैं। यहाँ पे आपको मल्टी स्पोक अलॉयज़ मिलते हैं। इसके ऊपर भी जो ये AMG की ब्रांडिंग कर रखी है। अगेन इसके जो कैलिपर्स है इसके ऊपर भी आपको AMG की ब्रांडिंग मिलती है। रेड कलर के कैलिपर्स है और काफ़ी बड़ी डिस्क यहाँ पे जो दी गई है। सो डेफिनेटली इसके अंदर जो ब्रेकिंग है वो काफ़ी अच्छी यूज़ की है। अगेन अगर हम इस गाड़ी के टायर साइज़ की बात करें तो 275/35 ZR21 इसकी जो है टायर साइज़ है। एक्चुअली ये 21 इंचेस के अलॉयज़ है बट सो दीज आर लो प्रोफाइल टायर्स। यहाँ पे आपको मिशेलिन के टायर्स मिलते हैं। पायलट स्पोर्ट्स यहाँ पे जो लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे जो ब्रांडिंग कर रखी है V8 बाई टर्बो की और 4MATIC+। सो ऑल व्हील ड्राइव है। 4MATIC मतलब आपको पता होगा। सो मर्सिडीज़ का 4 व्हील ड्राइव मतलब 4MATIC जो ये जाना जाता है। देन ये है इस कार की रेयर लुक। अगेन यहाँ पे आप जो ये इसका जो कूप स्टाइल है वो देखोगे काफ़ी अच्छा जो यहाँ पे स्लोपिंग रूफ दिया गया है और ये काफ़ी कमाल का लगता है। यहाँ पे आपको SL55 की जो ब्रांडिंग मिलती है। कॉर्ड एग्जॉस्ट जो है पीछे के साइड में दिया गया है। सो आप यहाँ पे दोनों साइड में देख पाओगे दो आपको एग्जॉस्ट पाइप जो ये मिलने वाले हैं। अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो स्पॉइलर है ये भी मूवेबल है। इसके अंदर आपको 5 मूवमेंट के जो ऑप्शन मिलते हैं मतलब आप 5 लेवल पर इसको जो ये अलग अलग तरह पे जो ये सेट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे AMG की ब्रांडिंग की है। टेल लैम्प्स भी आप देख सकते हैं। जो लाइटिंग है इसके अंदर काफ़ी मस्त यूज़ की है। सो यहाँ पे आपको काफ़ी खूबसूरत लाइट्स मिलती है। LED लाइट्स आपको जो है इस गाड़ी के अंदर सारी मिलने वाली है। एंड देन अगेन ये है इस कार की साइड लुक। सो डेफिनेटली अगर ये कोई रास्ते से जाती है सो इस गाड़ी को लोग मुड़ के देखने ही वाले हैं। इस गाड़ी का जो कलर है वो स्पेसिफिकली काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी खूबसूरत दिखता है। उसके अलावा जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो तो डेफिनेटली क्रेज़ी है, मतलब यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। सो ये कुछ आपको डिज़ाइन यहाँ पे मिलने वाली है गाड़ी के अंदर। अगर हम फ्रंट ग्रिल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको बीच में जो है रेडिएटर ग्रिल्स मिलती है और यहाँ पे आपको ये जो पैनल्स दिख रहे हैं ना वो ओपन भी होते हैं अंदर के साइड में। सो जब गाड़ी को जो ये थोड़ा ज़्यादा ब्रीथ करना रहता है वो टाइम पे जो ये ओपन हो जाते हैं। देन यहाँ पे भी आप देखोगे यहाँ पे भी इसका जो रेडिएटर है वो आपको दिख रहा होगा। तो काफ़ी बड़ा रेडिएटर यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर जो है फ्रंट साइड में यूज़ किया गया है जिससे इस गाड़ी का जो इंजन है, इतना बड़ा इसके अंदर इंजन दिया है, वो ठंडा हो पाए। सो फ्रंट साइड में अगेन आपको जो ये 6 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। ADAS सेंसर्स आपको जो इसके अंदर मिलने वाले हैं बिकॉज ये गाड़ी जो ये ADAS फंक्शंस के साथ आती है। सो काफ़ी सारी चीज़ें आपको इस गाड़ी के अंदर जो ये ADAS से रिलेटेड मिलने वाली है। इसको एक बार हम अगेन अनलॉक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ये जो डोर हैंडल्स, ये भी फ्लश डोर हैंडल्स मिलते हैं जो कि कुछ इस तरह से अंदर निकल जाते हैं। सो इसको हम एक बार अनलॉक कर लेते हैं। और ये है इस गाड़ी के फ्रेमलेस डोर्स। काफ़ी बड़े डोर्स यहाँ पर जो दिए गए हैं। डोर्स के अंदर अगर हम बात करें तो आपको क्या चीज़ें मिलती है भाई, यहाँ पे आपको बर्मस्टर का साउंड सिस्टम मिलता है। सो यहाँ पे आप उसकी जो ब्रांडिंग देख सकते हैं। नीचे के साइड में यहाँ पे सीट एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। सो सीट आप यहाँ से एडजस्ट कर पाओगे। 3 मेमोरी फंक्शंस आपको यहाँ पे मिलता है। देन यहाँ से आप अपनी गाड़ी का जो सेंटर लॉकिंग है वो ऑपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको पावर विंडोज़ के बटन्स मिलते हैं और VMs के जो ये बटन्स मिलते हैं। नीचे के साइड में आपको यहाँ पे जो ये AMG की स्कर्फ प्लेट मिलती है और ओपनिंग आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी ओपनिंग है। तो डेफिनेटली आप काफ़ी आराम से इस गाड़ी के अंदर चढ़ सकते हैं। सीट्स की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे जैसे कि आपको सीट के सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। यहाँ पे आप देखोगे ना तो सीट्स आपको जो ये स्पोर्ट्स सीट्स यहाँ पे मिलने वाली है, कोई भी यहाँ पे इसके अंदर आपको मूवमेंट नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको एक वेंट वैसे दिख रहा होगा, तो ये वाला जो वेंट है, ये वाला बटन आप जैसे ही दबाओगे तो यहाँ पे आपको नेक के लिए जो ये थोड़ी गर्म हवा आती है। सो यह अगेन काफ़ी क्रेजी फीचर इस गाड़ी के अंदर दिया गया है। इसका जो अंडर थाई सपोर्ट है, ये वाला जो पोर्शन है, ये भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर। अगर हम यहाँ पे देखें, सो एक बार मैं इसका जो डोर है वो क्लोज़ कर लेता हूँ और मैं आपको कुछ क्रेज़ी चीज़ें जो ये आगे जाके दिखाने वाला हूँ। सो यहाँ पे आप देखना, ये हम अंदर आ चुके हैं और सीट को मैं थोड़ा पीछे करने का ट्राई करता हूँ। ओके, सो पीछे जा रही है, मतलब पीछे जगह है। ओके, सो काफ़ी हम पीछे आ चुके हैं। यहाँ पर आप गाड़ी का इंटीरियर देखोगे, मज़ा नहीं आ रहा है यार, मतलब ठीक से नहीं दिख रहा है। एक बार मुझे गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा। सो गाड़ी को मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे इस गाड़ी का मैं आपको रूफ सबसे पहले तो जो है ये ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको ये वाला जो बटन है ये दबाना है। देन यहाँ पे आपको एक स्लाइडर मिलेगा, इससे आप बंद करोगे रूफ़ और इससे आप यहाँ पे जो ये स्लाइड करके इस रूफ़ को जो है कम्प्लीटली खोलोगे। सो अभी आप देखना, ये जो रूफ़ है ये कम्प्लीटली यहाँ पे खुल रहा है, काफ़ी ज़्यादा क्विक है। और ये देखिए जो रूफ़ है ये कम्प्लीटली खुल चुका है, सॉफ्ट टॉप है। ओके, सो डन, सारी चीज़ें ओपन हो चुकी है। अभी आप इसको आराम से देख सकते हैं कि किस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पे आप इसका कंप्लीट डैशबोर्ड देखोगे, यहाँ पे आपको कंप्लीट सॉफ्ट टच मटेरियल से बना हुआ डैशबोर्ड मिलता है। और यहाँ पे अगर आप इसके एसी वेंट्स देखोगे ना, सो ये जो एरोप्लेन के जो ब्लेड्स रहते हैं ना, उस टाइप का यहाँ पे आपको जो ये टर्बाइन ब्लेड्स जैसा जो है ये एसी ब्लोअर मिलता है। और इसके अंदर जो आपको लाइट्स भी मिलती है। अगर कूल रहता है तो यहाँ पे जो ये कूल मतलब जो ब्लू कलर की लाइटिंग है वो लगती है। अगर आप इसके अंदर से हीटर चालू करते हैं तो इसके अंदर जो ये रेड लाइट लगती है। सो सारी चीज़ें काफ़ी कमाल की मतलब डिज़ाइन की गई है। और मर्सिडीज़ भाई तो आपको लग्जरी तो मिलनी है। आपको यहाँ पे मल्टी स्पोक इसका जो ये स्टेयरिंग मिलता है। यहाँ पर आप देखोगे, एक्चुअली इसको हम 6 स्पोक भी बोल सकते हैं। सो काफ़ी कमाल का दिखने वाला है। यहाँ पे आपको स्टेयरिंग मिलता है। सारे जो फंक्शन है हैप्टिक फीडबैक वाले आपको यहाँ पे जो बटन्स मिलने वाले हैं। क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स यहाँ पे जो दिए गए हैं। फ्रंट कोल्यूजन डिटेक्शन वगैरह आपको सारी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर मिलने वाली है, एज इस गाड़ी के अंदर जो ये एडास जो ये यूज़ किया गया है। देन वॉल्यूम के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिलता है। जैसे ही मैं गाड़ी को वैसे ऑन करता हूँ ना, तो यहाँ पर आपको जो ये यहाँ पर भी डिस्प्लेस मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देखना, ये भी काफ़ी कमाल के लगता है। इसके अंदर भी आपको जो ये कुछ इन्फॉर्मेशन दिखती है। पैडल शिफ्टर्स यहाँ पर आपको दिख रहे हो गए। सो काफ़ी बड़े यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं। जैसे कि मर्सिडीज़ का आपको गियर नॉब पता होगा, यहाँ पे इस गाड़ी का जो ये गियर नॉब लगा हुआ है। यहाँ पे इसके जो वाइपर कंट्रोल्स है वो यहाँ पे जो दिए गए हैं। और ये यहाँ पे आपको इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। सो इसको भी जो ये हल्का फुल्का कवरिंग दिया गया है। जैसे कि ये कन्वर्टिबल गाड़ी है तो इसका रूफ खुल जाता है, धूप काफ़ी अंदर आती है तो इसको भी आप जो ये एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे इस वाले डिस्प्ले को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। सो इसको यार कैसे दिखाऊँ मैं आपको, ये कैसे एडजस्ट होता है। ओके, सो एक्चुअली ये वाले बटन से क्या होता है ना कि ये वाला डिस्प्ले अभी ये देखो सबसे ऊपर के लेवल पे है। सो यहाँ पे अब ये जब रूफ़ ओपन रहता है तब आप इसको कुछ इस तरह से टिल्ट करोगे। जब ये रूफ़ बंद रहता है तब आप इसको जो नीचे मूव कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको बटन मिलता है उसी से ऑपरेट होता है। देन जो इसका स्पॉइलर है वो भी आप आई थिंक यहीं से कहीं से तो भी जो ये कंट्रोल कर पाओगे। तो 5 अलग अलग लेवल पर इसका जो स्पॉइलर है वो आप कंट्रोल कर पाओगे। उसके अलावा भी अगर आपको यहाँ पर देखना है तो मैप वगैरह आपको काफ़ी मस्त यहाँ पे मिल जाता है। इस गाड़ी का जो वैसे मैप है वो काफ़ी कमाल का है। और 2 ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसके साउंड सिस्टम की तो बर्मस्टर साउंड सिस्टम आपको इसके अंदर मिलता है। सो लेट्स प्ले सम सॉन्ग। यहाँ पे आई थिंक कोई गाना प्ले भी हो रहा है। सो रेडियो के ऊपर चैनल थोड़ा ख़राब है, थोड़ा अच्छा चैनल लगा के देखते हैं। सो साउंड क्वालिटी आपको वही बर्मस्टर वाली मिलने वाली है, काफ़ी कमाल की साउंड क्वालिटी है। एंड देन यहाँ पे आप डोर के अंदर भी देखोगे आपको काफ़ी सारी एम्बियंट लाइटिंग मिलती है। कमाल की चीज़ क्या है ना कि इसका जो रूफ है वो काफ़ी कमाल का दिखता है। सो यही सबसे बेस्ट चीज़ है इस गाड़ी की। यहाँ पे आपको कंप्लीट कार्बन फाइबर फिनिश मिलेगा। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। कीज़ मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई है। देन यहाँ पे बीच में आपको एक वायरलेस चार्जर मिलता है। एक C टाइप का पोर्ट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टोरेज बॉक्स मिलता है जिसके अंदर आप छोटा मोटा सामान रख पाओगे। यहाँ पे भी आपको एक स्टोरेज बॉक्स मिलता है जिसको हम ग्लो बॉक्स कहते हैं। इसके अंदर आपको लाइट भी मिलती है। ऊपर के साइड में रियर व्यू मिरर मिलती है जो कि ऑटो डिमिंग फंक्शन के साथ आती है। यहाँ पे काफ़ी सारी मर्सिडीज़ कार्स के अंदर यहाँ पे आपको जो है स्लाइडर मिलता है सनरूफ खोलने के लिए, बट इस गाड़ी का रूफ ही खुल जाता है, सनरूफ तो इसके अंदर है ही नहीं। जैसे यहाँ पे आपको ऊपर के साइड में लाइट के बटन्स मिलते हैं। रीडिंग लैम्प्स यहाँ पे जो है काफ़ी छोटे चिंटू मिंटू लैम्प्स यहाँ पे जो दिए गए हैं इसके ऊपर जस्ट आपको टप टैप करना है और ये कुछ इस तरह से लाइट टर्न अप हो जाते हैं। यहाँ पे भी एम्बिएंट लाइटिंग दी है। देन यहाँ पे आपको कुछ इस तरह के सनवाइजर्स मिलते हैं विदाउट लाइट है। यहाँ पे आपको जस्ट जो है मिरर मिलने वाली है, आप इसके अंदर मेरा वो भी देख सकते हैं। सो विथ लाइट आपको सॉरी विदाउट लाइट आपको ये चीज़ मिलने वाली है और काफ़ी बड़े दिए गए हैं। एक्चुअली ये कोई कन्वर्टेबल गाड़ी के हिसाब से मैंने देखे है, काफ़ी सारी कन्वर्टेबल कार्स के अंदर सिर्फ इसके आधे पार्ट के जो ये सनवाइजर्स रहते हैं। सो ये कुछ चीज़ें हैं। इनसाइड आपको कुछ इस तरह की चीज़ें मिलने वाली है इस गाड़ी का। एक बार मैं इस कार का जो इंजन बे है वो भी एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सो इसका जो हुड है वो ओपन कर लेते हैं और इससे उतरना भी से इतना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस वैसे इसके अंदर आपको ठीक ठाक से मिल जाता है। और अभी देखना आप कन्वर्ट होने के बाद ये गाड़ी कुछ इस तरह से दिखती है। विंडोज़ वगैरह मैं इसके रोल डाउन कर दूँगा, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पर आप देखना ये है इस कार का V8 बाई टर्बो इंजन। यार कितना बड़ा है ये, मतलब यहाँ पे आपको जिसने इस गाड़ी को जो ये हैंडक्राफ्ट किया है उसका जो यहाँ पे नाम मिलता है। सो वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मर्सिडीज़ AMG जर्मनी यहाँ पे जो ये उसका भी जो ये नाम लिखा हुआ है। और ये है इस गाड़ी का कंप्लीट इंजन। अभी अगर हम इसके पावर के बारे में बात करें तो 469 bhp की इसके अंदर आपको पावर मिलती है और 700 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है। तो काफ़ी तगड़ा आपको इसके अंदर जो ये टॉर्क मिलने वाला है। वैसे इसके अंदर और एक आई थिंक वेरिएंट आता है जिसके अंदर आपको और भी ज़्यादा पावर मिलती है, जो कि इंडिया के अंदर नहीं मिलता है। सो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे इंजन ठंडा करने के लिए ये पूरी आप रेडिएटर्स देखोगे और कंप्लीट आप सारी चीज़ें देखोगे। सेफ्टी फंक्शंस भी इस गाड़ी के अंदर वैसे काफ़ी सारे दिए गए हैं। जैसे कि ये कन्वर्टेबल गाड़ी है तो सिर्फ उस हिसाब से नहीं, बट एक्चुअली में इस गाड़ी के अंदर आपको जो है काफ़ी सारे सेफ्टी फंक्शंस भी मिल जाता है। सो ये कुछ चीज़ें हैं। एक बार मैं आपको इस गाड़ी की जो बूट है वो भी दिखाना चाहूँगा। तो उसके लिए मुझे आई थिंक इसकी जो कीज़ है वो वापस से लगेगी, जो कि मैंने कार के अंदर ही रखी है। सो दीज आर द कीज़। यहाँ पे हम इसको एक बार ओपन कर लेते हैं। आई थिंक ये कार अभी ऑन है। अभी आप इसके जो टेल लैम्प्स है वो भी देख सकते हैं, कुछ इस तरह से दिखते हैं। और हेड लैम्प्स भी आई थिंक अभी ऑन रहने चाहिए। सो DRLs अभी इसकी जो ये ऑन है, सो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो अभी इस कार को मैं एक बार बंद कर देता हूँ, ओके। और अभी मैं आपको इसकी जो बूट है वो दिखाना चाहूँगा। सो दिस इज़ दी इलेक्ट्रिक बूट। यहाँ पे रूफ़ बंद होने के बाद, एक्चुअली रूफ़ खुलने के बाद यहाँ पे इसका जो रूफ़ है वो कंप्लीट आ जाता है। और यहाँ पे इसका आप स्पेयर व्हील देख सकते हैं, जो कि स्पेस सेवर है। सो आई थिंक यहाँ पे अभी ना के बराबर ही बूट स्पेस है, मतलब इस गाड़ी के अंदर आपको कोई भी बूट स्पेस नहीं मिलती है। जस्ट इसका जो स्पेयर व्हील है वो इसके जो इसकी जो ट्रंक है उसके अंदर जो ये रखा गया है। सो इसको बंद करने के लिए यहाँ पर आपको जो बटन्स मिलते हैं, सो ये वाला बटन दबा के आप इसको जो ये आराम से बंद कर सकते हैं। और यह है इसका स्पॉइलर, जो कि आप अंदर से जो ये मूव कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको इस कार के अंदर मिलने वाली है। उसके अलावा अगर हम बात करें इस गाड़ी के लुक्स की अगेन, सो दिस इज़ डेफिनेटली क्रेज़ी। आपको ये गाड़ी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर से नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको ये गाड़ी खरीदनी है तो आप अपने आसपास के मर्सिडीज़ के शोरूम में जाकर विजिट कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा मर्सिडीज़ सिल्वर स्टार नासिक को, जिन्होंने हमें इस गाड़ी का वीडियो बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी दी। और आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। आपको ये गाड़ी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर से नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाली इसी अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय।